वॉरियर्स, वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो चलिए क्लॉक के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अभी जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे बिटवीन का। इससे पहले मैंने आपको जो भी बेसिक्स पढ़ाया है, टाइप वाइज पढ़ाया है, तो मैंने हम लोगों ने वाटर, मिरर, ठीक है, फिर मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करता है स्पेसिफिक, आवर हैंड कितना डिग्री कवर करता है स्पेसिफिक, सेकेंड हैंड कितना करता है एक पर्टिकुलर टाइम में, हमने वो किया। और हम लोग अब बात करते हैं कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिग्री का एंगल बनता है। एग्जांपल के लिए आपके सामने है 7:30, ठीक है, तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि घड़ी में बज रहे हैं 7:30, तो आप बताओ कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं बेसिक सा, ये मेरा मेथड वन होगा जो एकदम बेसिक्स होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो देखोगे कि अगर 7:30 हो रहा है तो आप देखो कि ये 6 है, ये 7 है, ये क्या है 8 है। तो जब घड़ी में 7:30 होता है, सपोज मान लीजिए कि एक सेंटर है, तो मिनट का काटा कहाँ पे होता है, जाहिर सी बात है एकदम 6 पे होता है। और जो आवर वाला काटा होता है वो ना तो 7 पे होता है ना तो 8 पे होता है, वो 7 और 8 के बीच में होता है, ठीक है। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, वो बात ये है कि सपोज आप एक बात समझो कि आवर का काटा अगर 7 पे होता तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री बनता, तो आप क्या बोलोगे, 30 डिग्री बनता। बहुत अच्छा बात है, क्यों, क्योंकि दो क्लोजेस्ट टाइम के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, हमने पढ़ा था बेसिक्स में मिनट और आवर हैंड के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है, जो 7 वाला काटा है वो तो 7 से आगे है। तो मैं आपसे पूछा कि कौन सा काटा आ गया है, तो आपने बोला आवर हैंड वाला काटा आ गया है। और कितना आगे है, तो आप क्या बोलोगे, सर 7:30 हो रहा है इसका मतलब आधा मिनट यानी कि 30 मिनट क्या होगा, वो आगे होगा, ठीक है। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो आवर एंड होता है वो एक मिनट में हाफ डिग्री कवर करता है, तो 30 मिनट में कितना डिग्री कवर कर लिया होगा। सर अगर एक मिनट में हाफ डिग्री कवर कर रहा है तो 30 मिनट में 30 का आधा करेगा यानी कि 15 करेगा, यानी कि इस पे यहां पे वो कितना डिग्री कवर करेगा, 15 डिग्री और कवर कर लेगा, जिससे कि मेरा टोटल जो मिनट डिग्री होगा मिनट और आवर हैंड के बीच में वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। लेकिन आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या यही एक ही डिग्री बनेगा, ऐसा नहीं है। सपोज मैंने आपको कुछ ऐसा एरो दिया, तो सपोज यहां पे अगर मान लो कोई थीटा बन रहा है तो इसके बाहर भी तो ये थीटा हो रहा है और ये थीटा क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं है 360 माइनस थीटा हो रहा है। तो मैं अगर देखूं कि अगर इधर में 45 डिग्री हो रहा है तो इसके बाहर में कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 360 डिग्री में से आप 45 डिग्री माइनस कर दो तो आप बोलोगे 315 डिग्री हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, कि दोनों एंगल के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब एंगल से दो बात हो जाएगा, क्या कि ये जो 45 है वो क्या होगा, वो होगा उसका इंटीरियर एंगल, क्या होगा बच्चा, वो होगा इसका इंटीरियर एंगल, और जो 315 है वो क्या होगा, उसका एक्सटीरियर एंगल, क्या होगा उसका एक्सटीरियर एंगल। तो ये तो मेथड वन हो गया इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का। मेथड टू के बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से आप देखोगे मेथड टू जो होता वो होता बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला क्या करते हैं हम लोग, बाय फॉर्मूला में जरा देखोगे, फॉर्मूला होता है 60 h डिफरेंस 11 m डिवाइड बाय 2।
यहां पे एच का मतलब क्या होता है? आवर। और एम का मतलब क्या होता है? मिनट। ठीक है ना? तो 60 इंटू एच। अब जो घड़ी में 7:30 हो रहा है तो घंटा वाला कौन सा? 7 घंटा बोलते हो ना, 7:30 मतलब 7 घंटा 30 मिनट, तो आवर का मतलब 7। डिफरेंस 11 इंटू एम। एम का मतलब क्या होता है? मिनट, यानी कि 30 मिनट। 7:30 हो रहा है, 7 घंटा 30 मिनट हो रहा है, तो एम के यहां पे क्या करोगे? 30। और क्या करोगे? डिफरेंस करोगे 2 से। इससे होगा क्या? 60 इंटू 7 करोगे क्या होगा? 420। ये डिफरेंस 11 इंटू 30 करोगे तो ये 330 डिवाइड बाय क्या करोगे? 2, जो कि क्या होगा आपका बच्चा? 420 और 330 का डिफरेंस कितना बच्चा? 90। तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 45। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला एक, ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या देगा? ये जो फॉर्मूला है वो आपको हमेशा 45 डिग्री मतलब 180 डिग्री के आसपास का देगा, 180 डिग्री से ऊपर देगा, 180 डिग्री से नीचे देगा। हमें ये भी तो पता करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं अप टू 180 डिग्री तक जाऊं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल 180 डिग्री से नीचे है तब तो मेरा वो इंटीरियर है, लेकिन जैसे ही क्या हो जाता है, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है तो वो क्या हो जाता है? एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। बोलो हाँ या ना? यानी कि जैसे ही एंगल 180 डिग्री से ऊपर, जैसे 192 230 220, अगर कुछ ऐसा आ रहा है तब तो वो क्या हो जाएगा? तब तो वो एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारा ऑप्शन में दिया क्या है ना, क्या दिया रहेगा। जैसे मान लो मैं कुछ ऑप्शन के बारे में बात करता हूं। सपोज आपने इस फॉर्मूला का यूज किया, ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं बात करूं तो मान लो आपने ऐसे यूज किया, आपके पास में एक ऑप्शन आ गया 60 डिग्री, एक आ गया आपके पास में 30 डिग्री, ठीक है, एक आपके पास में आ गया 40 डिग्री और एक आपके पास में आ गया 350 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि आप ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो इससे आपका आंसर 45 डिग्री जा रहा है इससे और इससे, लेकिन 45 डिग्री तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपसे वो इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में नहीं बोला, वो बस आपसे ये बोला है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ दी हैंड। ठीक है, इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है। तो मैंने देखा कि अगर मैं इस फॉर्मूला को चाहे इस बेसिक्स मेथड से यूज करूं या फॉर्मूला से यूज करूं, मेरा आंसर क्या था? 45। लेकिन अगर आपका 45 आ रहा था तो उस केस में आपको क्या करना होगा? 360 में से वो थीटा को माइनस करना होगा। तो जैसे ही आप 307 में से 45 माइनस करोगे तो आपका आंसर 315 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बात, वो ऐसे भी दे सकता था, क्या कर सकता था कि सीधा सीधी आपका आंसर दे देता। कैसे? वो आपको 45 डिग्री दे देता, वो आपको 60 डिग्री दे देता, वो आपको 30 डिग्री दे देता और वो आपको 40 डिग्री दे देता। तो इस केस में तो आप आराम से आंसर निकाल लेते, लेकिन अगर 45 ना देता तो 307 से माइनस करते। और अगर ऐसा दे देता, क्या दे देता, जैसे कि आपको वो ऐसे दे दिया 45 डिग्री, 315 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तब क्या आंसर होगा? तब जो पहले है प्रेफरेंस में, ऑप्शन को प्रेफरेंस करोगे तो क्या आंसर होगा? 45। और अगर ऐसा हो जाएगा कि 315 आगे होगा, ठीक है, फिर ये 30 डिग्री होगा, फिर ये आपका ये 45 डिग्री होगा, फिर ये 90 भी होगा, तो ऑप्शन को प्रेफरेंस रख के आप क्या करोगे? 315 को आगे रखोगे, क्योंकि वो सिर्फ एंगल बोला है, वो ये नहीं बोला इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, अगर इंटीरियर बोल देगा तब तो वो 45 डिग्री वाला आंसर होगा,
क्योंकि इंटीरियर एंगल अप टू 180 होता है, 180 से नीचे होता है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 315 भी हो सकता है। या अगर एक्सटीरियर एंगल बोल देगा तब तो मेरा आंसर 315 ही होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री से क्या होता है, ऊपर होता है। बात समझ में आया? तो ये दो बात था, लेकिन सबसे शॉर्टकट जो हमें यूज करना है वो क्या करना है, ध्यान से देखो, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं क्या करोगे आप इसको सबसे शॉर्टकट में, यही लगता हूं, ठीक है? देखो, छोटा सा ट्रिक है जो कि आपको देखना है, सबसे छोटा ये है मेथड नंबर 3। कैसे निकालोगे बच्चा इसको आप ये जो टाइम देख रहे हो 7:30, इसमें आवर का काटा कहां होगा, 7 पे ही होगा, आप इसको 7 पे रखो, ठीक है? मिनट के काटा कहां पे होगा, तो जब 30 होता है तो मैंने कहां रखा था, 6 पे रखा था, तो आप 6 पे ले लो, ठीक है? और इसका डिफरेंस ले लो, क्या ले लो, इसका डिफरेंस ले लो। तो यहां पे अगर आप डिफरेंस देखोगे बच्चा तो 1 आएगा। अब जो 1 आया है उसको 30 डिग्री से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है? और अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया है, दो बात कि अगर डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो एड हाफ ऑफ मिनट, आपको मिनट का आधा जोड़ना होगा, तो मिनट था कितना, तो आप बोलोगे सॉरी मिनट था कितना, मिनट था आपके पास में 30, तो आप ये बताओ 30 का आधा कितना हो गया, एक मिनट, 30 का आधा कितना हो गया, तो आप क्या बोलोगे 15, तो आप क्या करोगे इसमें 15 जोड़ दोगे, तो 30 और 15 45। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, बेसिक से ही आपका आंसर आया है। कैसे, देखो अगर आप बेसिक से देखोगे तो 7 और 6 का डिफरेंस, एक को आपने क्या किया कि दो क्लोजेस्ट टाइम के बीच में क्या होता है 30 डिग्री होता है, तो 1 × 30 कर दिया तो 30 आ गया। फिर जो मिन जो आवर वाला काटा था वो क्या था, वो 30 मिनट आगे गया था, तो क्या करोगे कि जो आवर वाला काटा है वो मिन एक मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, तो 30 मिनट में कितना बनाएगा 15 डिग्री, तो वैसे क्या करोगे आप उसको जोड़ लोगे, ठीक है? तो यही इसका शॉर्टकट है कि जो टाइम है वो ले लो, उसका डिफरेंस ले लो और डिफरेंस को 30 से मल्टीप्लाई करो, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है तो उसमें जोड़ लो, ठीक है? जैसे कि कुछ हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि घड़ी में बज रहा है 8:40, इसको कर लो आप 8:15, ठीक है? क्या कर लो 8:15, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों एंगल के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कैसे करोगे, मिनट का काटा सॉरी आवर का काटा तो 8 पे रहेगा डिफरेंस, 15 का काटा 3 पे रहेगा, तो डिफरेंस कितना आ गया 5, 5 को क्या करोगे 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो गया बताओ जरा, 150 डिग्री आ गया। क्या आपका डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस है, ये क्या है आपका डिफरेंस है, क्या आपका डिफरेंस पॉजिटिव में आया, यस सर। तो डिफरेंस अगर पॉजिटिव में आया है तो आप 15 का आधा उसमें जोड़ लो, तो 15 का आधा कितना हो गया 7.5, ठीक है? तो 150 में 7.5 क्या कर दो आप, ऐड कर दो, क्या कर दो आप 7.5 ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया 157.5, ठीक है? क्या ये इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है, तो आप बोलोगे सर ये इंटीरियर एंगल है, क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज है वो क्या है, ये जो रेंज है वो क्या है, इंटीरियर एंगल है, क्यों, क्योंकि ये 180 से छोटा है, क्या है ये 180 से छोटा है, लेकिन इसके अलावा भी एक और एंगल बनेगा जो कि क्या होगा 180 से बड़ा होगा, और वो मेरा क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, वो क्या होगा मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है? अब एक टाइम मैं अगर आपको और दूं, जैसे मैं अगर आपको दूं कि
10:40, ठीक है, 10:40 पे बताओ दोनों एंगल के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो आवर का काटा 10 पे और मिनट का काटा कितना पे, तो जैसे ही बोलते हो 40 होता है तो मिनट का काटा कहां पे होता है, 8 पे होता है, तो आप क्या करोगे डिफरेंस ले लोगे, ठीक है ना, डिफरेंस ये 8 का, तो 10 डिफरेंस 8 मतलब 2। देखो काम वही हो रहा है कि दो क्लोजेस्ट टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, ये 2 हो गया आपका डिफरेंस इंटू क्या करोगे 30 डिग्री, इससे क्या हो जाएगा 30 डिग्री इंटू 2 मतलब कि 60 डिग्री। क्या आपका डिफरेंस पॉजिटिव में है, यस सर मेरा डिफरेंस क्या है पॉजिटिव में है, तो मिनट का आधा जोड़ दोगे तो 40 का आधा कितना 20, बस इसमें आप जोड़ दो तो 60 और 20 80 डिग्री, ठीक है ना, यही आपका आंसर हुआ। फिर चाहे आप उसको शॉर्टकट वाला से भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला से, 60 × h यानी कि 10 डिफरेंस 11 × 40 डिवाइड बाई 2, तो 60 × 10 कितना हो गया 600। देखो मैं आपको फॉर्मूला से प्रूव कर रहा हूँ, 600 डिफरेंस 11 × 40 कितना हो गया 440 डिवाइड बाई 2। चलो डिफरेंस देखो 000, ठीक है ना, ये हो गया 10 में से 4 गया 6, ठीक है ना, और ये कितना बच गया 5 में से 4 गया 160 का आधा, ठीक है ना, 160 का आधा जो कि क्या हो गया 80, ठीक है ना, तो यहां से भी आपका आंसर आ गया 80 और फॉर्मूला से भी आपका आंसर क्या आ गया 80 आ गया, ठीक है। तो ये होता है शॉर्टकट, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, जो हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं बस उसी को ये शॉर्टकट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, आई होप आपको समझ में सब कुछ आया होगा, कोई क्वेरी है कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो, ठीक है, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और आप इस वीडियो को बाकी लोगों के भी शेयर करो, हम लोग हर एक चैप्टर को टाइप बाय टाइप में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक